माशाल्लाह दम पटिया गया जी। जो है ना इधर हुआ है एक प्रैंक जो कि बहुत बड़ा प्रैंक था और मेरी उस्तानी ने किया। एक होता है ना उस्ताद, एक होती है उस्तानी टीचर। टीचर ने जो यहाँ पे किया है ना, अभी नबीला राशिद वाले घर छोड़ के जा रहे थे, अभी ही समझो लो गाड़ी आने वाली थी, इन्होंने कहा कि हम सामान भी नहीं उठाते घर छोड़ के जा रहे हैं। किस तरह से इनकी जो है ना, कहते हैं कि हम ट्रक मंगवाते हैं। अच्छा ये आप ही कैसे कर रही थी उसको? इस तरह कर रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ एक मिनट आगे चले जाए ना, यहाँ पे दिखा है। एक मिनट पकड़, हाँ पता है क्या, वो भाभी उधर थी और नबीला सिस्टर जो ना ऐसे बच्चे इधर आते, इधर अपने बच्चों का ऐसे पकड़ा हुआ था ऐसे कर। चलो 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 मोहन के पापा मैं यूट्यूब छोड़ती हूँ, मैं ये घर भी छोड़ती हूँ, हमने यहाँ पे नहीं रहना। ऐसे खाओ। हाँ बेबो मजा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दिन भाइयों, क्या हाल है? ठीक मिक्कत में आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब भाइयों की दुआ है। तो माशाल्लाह से आज जो है ना पीछे से कुछ न्यू लोकेशन आ रही होगी और पता नहीं बहन भाई पहचान भी पाते हैं या नहीं। पहले पहले मुझे तो नहीं लगता कि वो पहचान पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं। वो आ गई है ना घर की मालकिन, आ गई है ना। ये हमारे घर आए मैं बताती हूँ। हाँ जब मैंने इधर कैमरा आपकी तरफ किया तो वो इधर पर्दे ठीक कर रही थी। हाँ, साहब वो तो आ गई है, वो किचन में काम शाम किया है ना, सालन चालन रोटी छोटी बनाई है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हबस हो गया, जिसकी वजह से फिर दोबारा से पर्दे ऊपर किए जा रहे हैं। हाँ जी आप ही को हुई है गर्मी, गर्मी जब इसको हुई है तो हमें बार बार बोल रही है कि पंखा चला दूं, पंखा चला दूं। हमने कहा अपने ऊपर चला दो, हमें तो ठंड लग रही है। खाती है ना वो बहुत गर्म होती है, तो इसी वजह से उसको जो है ना फिर किचन में भी खड़ी रही है ना, इसी वजह से उसको गर्मी लग रही थी, लेकिन हमें नहीं लगी गर्मी। हाँ जी तो इसी वजह से मैंने कहा चले आप ये ऊपर कर दे पर्दे, ताकि आपका बरामदा भी ठंडा हो जाएगा और आपको कुछ ठंडक महसूस होगी। हाँ जी और अभी जो है ना काफी बहन भाइयों ने कहा कि अभी जो है ना आप इनके होम टूर भी हमें करवाएं, कि अभी माशाल्लाह से उन्होंने घर टोटल जो है ना वो ओके कर लिया है, अपनी सेटिंग वगैरह मुकम्मल कर लिया, तो हमने कहा चले इंशाल्लाह आज जो है ना इधर दावत भी थी शाम के खाने की और अभी खास मेहमान जो है ना वो पहुंचने वाले हैं। हाँ। क्योंकि हम तो अपने हैं इधर के ही हैं, जो खास मेहमान है ना वो अभी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए बराबर है सारे मेहमान, खास है आप सबसे ज्यादा खास है। मेहमान नहीं है ना, वैसे देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो कोई भी मेहमान नहीं है, सब अपने हैं ना। आप क्या कहना चाहते हो, आपको उठाऊं मैं, यही कहना चाहते हो? उई मोटू उठ गई। बच्चे जो है ना वो अच्छे होते हैं, रोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। जब आप छोटे थे याद करो कैसे रोती थी, वही मासूम तो ये भी है। अब बच्चे जो होते हैं वो मासूम ही होते हैं, आपको लगता है एक्स्ट्रा ही मासूम थी। चले तो मुझे हंसी आ रही है, वो भी अजीब तरीके की। बच्चे बाप पे या माँ पे? हाँ जी तो एक को तो आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। ठीक है ना, मैं एक चीज मानती हूँ, वो वल्दे उस टाइम तक ना डुस्कते रहते, वो मेरे ऊपर गए, वो मैं चीज मानती हूँ। वल्दे उस टाइम तक डुस्कते, मतलब अभी ये अभी इनको थोड़ा ज्यादा रुला देना, वो नींद के अंदर भी उनकी डुस्कियाँ। मैं आपको अच्छे लफ्जों में समझा देता हूँ जी, जब नींद भी होती है ना ऐसे इतने बातें नहीं ऐसे करती रहती है, नहीं रोते हैं, डुस्कियाँ लगी रहती है इसी टाइम तक। बिल्कुल ऐसी बात, वो मेरे ऊपर गया, मैं खुद इसी तरह की थी, जब भी मतलब थोड़ा सा रोती थी ना फिर रात को नींद में भी इसी तरह करती रहती थी। सबसे पहला रूम जी माशाल्लाह से ये चेक करें, यहाँ पे मतलब के जैसे हमने अपने रूम को स्टोर रूम बनाया है ना, इन्होंने इसको अपना स्टोर रूम बनाया है।
जो जहेज वाला सामान वो सारा यहाँ पे रखा है। ये है सबा जो अलमारी बनवाई है न्यू, देख लिया है ना, छोटी स्माल है बर्तनों के लिए, सामान मुकम्मल आ गया था। बर्तन इसमें थोड़े आते हैं, हमारे वाली तो बड़ी है ना, उसमें बहुत बर्तन आते हैं। सही है, चले। अच्छा मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि ये क्या है। ये वो वाला आटा, खमीर, मैदा। तो ये देखना, देखे देखे, ये आटा ही है, देख रहा हूँ। ये मतलब वो रोटियां पकाई फिर ये बच गया। मैदा है भाई, इसमें खमीर डाला है, ऑयल डाला था और मीठा सोडा डाला है, नमक डाला है, ये बच के आ गया, ये रोटियां है। अच्छा, यानी कि आपने जो है ना ये ऐसे बनवाई रोटी, खुद वो चीजें डाल के। हाँ जी, नरम नरम। ये इस तरह की रोटी सबा, आप ये देखो ना रोटी को, इस तरह की रोटी हम कहाँ पे खाते थे? सऊदी अरब में। हाँ जी, सऊदी अरब में ना इस तरह की रोटी मिलती है, और वो इतनी बड़ी होती है ना, एक रोटी को दो बंदे या तीन बंदे खाते हैं। इसकी चार रोटियां और उसकी एक रोटी। हाँ जी, वो बिल्कुल यही, वो बड़ी बड़ी होंगी ना। हाँ, बड़ी वो बड़े तंदूर में लगाते हैं, वो एक बंदा खा कर आज जाता हूं। नहीं, हाँ, हम कितनी, छह बंदे थे ना। हाँ जी, वो एक रुपए की रोटी देते थे, अस्सी रुपया, वहाँ पे तो वहाँ के लोग कहते हैं सस्ती है हर चीजें, लेकिन पाकिस्तानी की करेंसी डाउन है ना, इस वजह से 80 रुपए की एक रोटी पड़ती थी। हमारा पाकिस्तान बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसों पे चलते हैं ना हम। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों से जो है ना वो राबता हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो पहुंचने वाले हैं, तकरीबन ऐसे कोई 5 मिनट के अंदर ना वो पहुंच जाएंगे हमारे पास। चप्पे पे रहते, हाँ, ये बस दरमियान में लाइने ना होती फिर तो जल्दी पहुँच जाते ना। अभी ऊपर से घूम के आएंगे, घूम के मेरे ख्याल में 6-6.5 किलोमीटर बनता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत लंबा। हाँ, ये वैसे हम शहर में बैठे हैं, बस रेलवे लाइन की वजह से ना, हम शहर से गांव में शिफ्ट है। सब आप इधर फाटक क्यों नहीं बनवाते? वो ना खर्चा लगता है बहुत, अब हम तो नहीं बनवा सकते ना। हाँ जी, वो ना एक यहाँ का बंदा है, मतलब जो इधर वोट शोट मांगने आते हैं, उनको बोला मैंने कहा यार ऐसे फाटक सा बना दो, कहते यार 2 अरब का फंड मिलेगा, 2 अरब का। मैंने कहा यार आप 2 अरब को छोड़ो, अरब की बात है ना, मुझे 1 करोड़ दो, 1 करोड़, 2 अरब को छोड़ो, मैं इधर बना देता हूँ आपको, बंदा भी मेरा ड्यूटी करेगा, सारा कुछ, सारी जिंदगी ड्यूटी करता रहेगा, मुझे 1 करोड़ दे दो बस। तो मैंने कहा 2 अरब, इसी वजह से तो मैंने कहा बन नहीं रहा, जब है, जब काम 1 करोड़ का है, मांग रहे हो 2 अरब, वो पागल है, वो देंगे। हाँ, ये बात, ये ना करप्शन करते हैं ना दरमियान में से, इस वजह से इतनी फिर फंड वो देते हैं। करप्शन क्या होता है? हाँ जी, करप्शन वो होती है कि बंदा पकाते पकाते ना दरमियान में से बोटियां निकाल ले, बाकी बचेंगे चावल, वो है करप्शन। कितनी जबरदस्त मिसाल दी है। हाँ जी, बोटका चोरी करके खाना। हाँ जी, मैंने एक भी नहीं खाई। हाँ जी, ये बात है। अभी क्या फिर दोबारा? नहीं, ये वो मैंने कहवा रखा है पिंकी के लिए। ये कौन सा कहवा है? ये जब चाय बनेगी फिर आप लोग चाय। ये पानी है। हाँ जी, हिल रहा है ना। इसमें छोटी इलायची और लौंग डाले, दालचीनी डाली है, तो इसको ढक दिया। अच्छा, ढक दिया, कैद कर दिया। पिंक टी इंशाल्लाह बनेगी, फिर लोग चेक कराने। अच्छा, ये जो है ना अभी दम पे है, इंशाल्लाह जब दम खुलेगा दिखाएंगे। ये बीफ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चमचा है इसका? नहीं, ये कच्चा होगा ना। हाँ, ऐसे मार के देखो, माशाल्लाह, जबरदस्त, दिल कर दे तेनु कच्चा खावा तू ते मैं। ये कच्चा नहीं, ये पका हुआ है, मैं गरम कर लूंगा। हाँ चले, पक्का ओ गरम कर ले जब तक मेहमान जो है ना पहुंच जाते हैं। बेबो आपको भूख लगी है? कितनी भूख लगी है? बहुत लगी है। ये खा भी नहीं ना रहा, कह रहा सारे बच्चे खाएंगे फिर खाऊंगा। हाँ, वो कहता है मैं ना इन सारे बच्चों के साथ खाऊंगा। तो अभी ना वो चाचू है ना, वो जो जिनको हमने दावत दी थी, वो वाले सारे आ रहे हैं अभी ना इधर दरवाजे में, आप देखो वो आ रहे हैं, तो फिर उनके साथ इकट्ठे बैठ के ना सब खाएंगे। हाँ जी, जाए देखे आ रहे हैं वो। हसन आप खेल रहे हो? अच्छा बात सुनो, आपको भूख लगी है? हेलो, हेलो, आपको भूख लगी है?
ये कहता है मुझे उठाओ बस। इनमें ना थोड़ी सी कमोबेशी है, वो इनकी नीचे ना वो एक इनके ना गोलदान बने हुए मिलते हैं, वो ऐसे बुने हुए ना जैसे हम टोकरियां लेते ना इसी स्टाइल के, तो उनके नीचे ये लग गया ना वो वाले, वो और उनका ना ओरली साइड पे उनमें चीजें भी रख सकते हैं। हाँ, वो वाले होते हैं। हाँ, वो फिक्स भी मिल जाते हैं ना। हाँ जी, मैं उसको कहती हूँ ले आएगी। अभी जो है ना दस्तरखान लगना शुरू हो चुका है जी, माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है। ये चेक करें, सलाद आ चुकी है, प्लेटें वगैरह, पानी वगैरह जो है ना। ये हसन का, हसन को आप उठा लो, इसने पानी पीटा ना सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। टमाटर का फूल बनाया है। ये चेक करें, टमाटर का फूल बनाया है जी नबीला ने। क्या बात है। चले हसन को मैंने क्या कहा, चलो अभी बाहर चलो, जब लग जाएगा ना तब आएंगे। चलो अभी बाहर चलो। अच्छा चलो बाहर चलो हसन, ये काम चेक कर इसके। ये बैठने की जगह है। ये यार पता नहीं है ये क्या डिजाइन बनाया था, कोई समझ नहीं लग रही। इसमें ना कहते हैं लकड़ी, लकड़ी की ना यहाँ पे अलमारी बन सकती है लकड़ की, वो मैंने पूछा है। छोटा साइज है ना, इसमें सेल्फ रखेंगे छोटी छोटी, वो इतनी इतनी सी आएंगी ना, बर्तन ठीक से बैठेगा ना, इधर कपड़े खड़े कर सकते हैं। ये है किस चीज़? ओ यार लकड़ की जब बनेगी वो आगे आएगी अलमारी। अच्छा एक चीज बताता भी हूँ ना, तब भी बोलती है ये ऐसे सलाह बनेगी। बोला है लकड़ का ना वो पूरी फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर किल लगाएंगे, फिर वो बाहर आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी, लोग कह रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है ना पहुँच चुके हैं आपके मेहमान। हाँ जी, वो नजर आ रहे हैं। हाँ जी, गाड़ी की लाइटें नजर आ रही हैं, बंद हो गई है, अभी आ रहे हैं रास्ते में, गाड़ियां बंद कर दी हैं, साइड पे लगा दी हैं गाड़ियां। खैर है सर, चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हो। हाँ तो और क्या करूं मैं, वो मेहंदी के डिजाइन देख रही। कौन सा डिजाइन अभी और लगाना है आपने? ये जब उतरेगी ना फिर आपने न्यू डिजाइन लगाना है। हाथों पे मेहंदी, पैरों पे मेहंदी, ये लगी रहे ना तो माशाल्लाह से औरत प्यारी लगती है। अगर आपका हुक्म है तो कभी भी नहीं उतरेगी। हाँ तो लगाती रहो, मुझे क्या, ये फीकी होगी, फिर उसको इसके साथ उतार के फिर और लगवा लूंगी। सही हो। हाँ, इसके लगाने के पैसे हैं 250 एक हाथ का, 500 दो हाथों का, और 100 रुपया पाँव का, 600 रुपया लगेगा। अच्छा, हफ्ते के भरोगे? तो यार 600 हफ्ते का, अल्लाह की बंदी, अब 6000 मतलब 6 लाख तकरीबन हमारा महीने का खर्च है, उसमें से 600 अगर तेरा लगेगा तो क्या हो जाएगा। वाह जी वाह। वो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता ना ऐसे फजूल खर्च करती। ये फजूल नहीं, अपनी केयर होती है, बंदा अच्छा लगता है। अच्छा? दुनिया में आया है ना इंसान अपनी केयर करे, खूबसूरत रहे तो अल्लाह पाक खुश होता है। यार मैंने जैसे इंसान को सही सलामत भेजा था वैसे सही सलामत खूबसूरत वापस आया मेरे पास। हाँ जी, कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब आपसे मैं, वह यार क्यों नींदा कुर्सी का जनाजा निकाल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है मिस्टर पतलू? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गए आप? हाँ जी। अच्छा, पहले मोटा से पेट निकला हुआ हो क्या? नहीं, वो कहते हैं ना स्मार्ट बनो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे आपकी फीलिंग का पता है। कौन सी फीलिंग? फीलिंग होती है ना किसी की। अच्छा, पता नहीं आप कौन सी फीलिंग की बात कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम यार, भूख वाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा अच्छा, तबीयत सी है।
कल वाला सफर कल गए थे उधर? वो उधर जो दावत पे जाना था नहीं गए? अच्छा, मैंने कहा शायद, अच्छा मेरे जहन में था, मैंने कहा उधर मुंशी के घर गए हैं दावत खाने। नहीं, नहीं, उधर नहीं। तो थकावट कल किस चीज की थी? शादियों की, सफर जो सब गए थे। अच्छा अच्छा, वो गुज़िश्ता शादियों की थकन। सही। और माशाल्लाह दम पटिया गया जी। हाँ जी, धुआं निकलिया गया जी। ये हमारे चाइनीज चावल के दम पटिया गया, दम पाट रहे हैं ये। अच्छा, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? उर्दू में बोले दम खोलना। दम खोल दिया ऐसे? हाँ जी, मैंने अभी चावलों का दम भी खोलना है। और परसों में दम पोख। दम पोख, वो दम पोख तो पक्का होता है, कोलू दम पोख। चलो जी, माशाल्लाह खाने के कुछ फ्रूट्स भी आ गए इधर साथ में, लंबे केले भी। ये केले लास्ट में देंगे या पहले? अभी पहले पहले देंगे। अच्छा, केले आए हुए हैं इधर लंबे लंबे, मैंने कहा अभी देंगे या बाद में देंगे? नहीं, हमने रोटी खा ली, केले नहीं खाए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी पहले मिले हैं, फिर कहेंगे इसको क्यों नहीं मिले, बात कुछ हो गया है रपड़ा। यार हर चीज ना देखनी पड़ती है। तो अभी पहले पहले आए हैं ना, मेरा मोबाइल बंद था कैमरा, ठीक है, हम मिले हैं, बातचीत की है, गपशप की है। अभी वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो कहेंगे ये मिले नहीं, ये जो कुछ करते हैं वो कहते हैं कैमरे में करते हैं, कैमरे के बाद ये इनको नींद आ जाती है शायद, करते भी कुछ नहीं है। नंबरदार के बारे में आया था ना कमेंट्स, मुझे बहुत सारे फैन भाई बोल रहे थे कि अल्ताफ भाई नंबरदार को बोलो घर से कमरे से अब बाहर भी निकले। अच्छा, सारा दिन कमरे में बैठा रहता है। अच्छा, मैंने फिर बोला, मैंने कहा पहली बात तो यह की वो शादी उसकी नहीं है, वो दुल्हन के साथ ही बैठेगा। दूसरी बात, मैंने कहा उस बेचारे को हम खुद लेके जाते हैं कि चलो यार हमने वीडियो बनानी है, चलो आप, वो तो बाहर बैठा था, हम उसको लेके जाए। अब मतलब वो बाहर होता है, हम जब जाते हैं उसको दुल्हन के साथ बिठाते हैं, दो मिनट तीन मिनट उसके साथ गुफ्तगु करते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं ना, जब खत्म करते हैं फिर सारे बाहर आ जाते हैं। ये वो कहते हैं शायद दिन रात अंदर बैठे। नंबरदार जो सारा, अब मिसाल के तौर पे हमने एक वीडियो में चावलों को दम लगाया, दो तीन दिन गुजर गए, चौथे दिन कमेंट्स करेंगे यार वो दम खोला नहीं है आपने, हमने तो देखा नहीं यार। ये बात ठीक है ना, वो बोलेंगे दम क्यों नहीं खोला, दूसरा तीसरा दिन है आपने दम लगाया था, हमने तो नहीं देखा आपने दम खोला। इसलिए वो पता है क्या, इसलिए कहते हैं कि भाई ब्लॉगर की पर्सनल जिंदगी भी होती है। ये है कि हम अगर वीडियो पे डाल रहे हैं, कोई चीजें बता रहे हैं, या बहुत सारी, आजकल तो हम समझे कि अपनी पूरी लाइफ ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। होता है कि अब वीडियो हमारी होती है 20 से 25 मिनट की, सुबह से शाम तक 12 घंटे बनते हैं, अब 12 घंटे में 20 मिनट जाते हैं सिर्फ वीडियो, तो वो समझते हैं कि सारे दिन की रूटीन यही है। हाँ, ये बात है। वो फिर मुंशी नंबरदार का भी ये सोचते हैं, वो हमने 20 मिनट की वीडियो अगर पहले बनाई, उसका 2 मिनट का क्लिप था, वो समझते कि ये उधर ही बैठा है। ये चीज हो जाता है, समझ लीजिए। सही बात है, ऐसी बात है। भाभी को तो नींद आ रही है, आप ऐसे कह रहे थे भूख लगी उसको जो है नींद आई है। हाँ, वो असल में रज्जी हुई है, भूख से नींद आई हुई है। इसका मतलब है पहले से इन्होंने खा पी लिया। नहीं, हम ना असर के बाद जो है ना हमने चाय पी थी उसकी। आपको पता है चाय जो है ना वो भूख को मिटा देती है। चाय तो हमने भूख फुल लगी हुई थी, पता लग गया होगा कि ये आ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अभी बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना जो है ना वो खुल चुका है, और अभी उन्होंने बुलाया है कि आप जो है ना दूसरे रूम में आ जाएं और आकर खाना खा लें। तो अभी सब जो है ना हो रहे हैं रवाना। हाँ, घर आपका ना बहुत ही जबरदस्त, बहुत मेरा दिल करता है ये पहले मैं खरीद लेती और मैं आ जाए। नहीं, मुझे भी क्या चीज अच्छी लगती है, ये जो ये बरांडा है ना बड़ा बड़ा सा हमारा, देखिए छोटा सा है, तरीके से घर बना है, तीन चार पहिया डालते हैं तो मतलब गुजरने की जगह भी नहीं होती। अल्लाह बड़ा छोटा, हाँ इंशाल्लाह दुआ करें बड़ा घर हमने मतलब बनवाया, लेकिन इन्होंने खूबसूरत, इन्होंने ज्यादा बना दिया ना, ये चीज देखें।
डेकोरेशन जो की है घर में सारी चीजें, अब ये चीजें जो लगाई हैं, ये किचन वगैरह को देखें सेटिंग की है, अब कितनी हिफाजत की कर रहे हैं ना, ये चीज है सर। घर तो इसी, अगर ये कुछ भी ना करते, अंदर चार पहिया डाल देते, इनका सिस्टम जैसे वो होता है हमारे हमारी फैमिली वाला, तो ये बिल्कुल ये लुक ना होती घर की जैसे अभी लोग आ रही। देखे ना हमारा घर कितनी मतलब देखने में प्यारा लगता है। हाँ। घर की जो हम ऐसे वो नहीं होती ना वो सेटिंग अच्छे से हम वो नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से जो है ना ये असल में हमें जो है ना हम सेटिंग इस तरह की कर सकते हैं, बट हमारे जो वालदैन है ना उनकी उम्र गुजरी है पुराने दौर में, वो अब ये नया दौर हमें करने नहीं देते। वो कहते चार पहिया भी कमरे के अंदर डालो, ये बेड सोफे ये चीजें ना लो, तो ये तो हमने समझ ले एक अपने तौर पे किए हुए हैं। अब अम्मी अब्बू का हमने डेकोरेशन किया ना बेड के ऊपर सारा किया, वो मुश्किल से अभी कुछ आदत बनी है, वरना वो कहते थे निकालो इधर चार पहिया डालो बस। हमारे भी अम्मी अब्बू ऐसे ही कहते, मेरे मतलब सास ससुर उनको वो हम बोले ना हम बेड खरीद रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं उनके लिए, उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए, हमारे चार पहिया डालो। और दूसरी बात हम जो है ना कंबल या कोई खेस वगैरह या ऐसे आजकल की जो चीजें आई हुई हैं ऊपर ओढ़ने के लिए, वो अगर हम दे देना, मेरी पेटियां मतलब बड़े बक्से भरे पड़े हैं, अगर दे देना तो कहते नहीं ये हमने नहीं लेने, हमें गिंदियां दो रजाइयां दो सवड़ी दो, वो जो पुरानी है। ये बात है असल में, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सब जो है ना बैठ गए हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक बात करूँ कि अपने घर में जब दावत हो ना, जितने मर्जी खाने उसका मजा नहीं आता जो किसी और की दावत पे मजा आता है। ये चीज वैसे है, नोट करने वाली है। अच्छा ये चीज अगर इसमें मजा ना होता तो लोग एक दूसरे को दावत क्यों करते, ये बात है ना, मजा लेने के लिए करते हैं। अपने घर में 10 खाने हो और घर में एक हो, मजा वो ज्यादा करता है, मोहब्बत मोहब्बत होती है। हाँ जी वही होता है कि प्यार से जो मिले ना वो अच्छी होती है, अपने तो घर में मसरूफ हाँ मसरूफ होता है, बिजी होता है, वो मजा नहीं होता। चलें जी अभी खाना वगैरह लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी खाना करते हैं स्टार्ट। खाओ हाँ बेबो, मजा है, इसको नींद आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो है ना वो खा लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त खाना था। हाँ जी बाद में, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, कैसे आप जान? मैं भी ऐसे बोलने वाली थी कि सिस्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खाना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। सारे खाने इसने घर पे तैयार किए, ये देखें ना आप इसको देखें, ये घर पे तैयार किया, ये कबाब घर पे तैयार किए, बीफ घर पे तैयार किया, सारी चीजें माशाल्लाह से रेडी की है, सारी चीजें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जबरदस्त। हाँ जी मेरे मेहमान सबसे प्यारे, अभी जो है ना ये बर्तन वगैरह क्लोज करते हैं। बस वो तो बस सब एक चीज, एक ही चीज को वो आपस में वो कर लो मिक्स, इकट्ठे कर लो, ये वाली ट्रे दे दो। आप भी नहीं शर्मिंदा करें मुझे, वो पता है क्या है, ये खाना खाना हजम होता है। मैं हूँ ना खिदमत के लिए, अपना काम करूंगी ना। नहीं आप खिदमत के लिए, चलो सर आप इधर की हो भाभी, अगर काम नहीं करने देती फिर कोई हाथ में वाली सीरप मंगवा लो, फिर हाथ में वाली सीरप मंगवा लो। हमें कहते किचन में रखने की जगह नहीं है, आप वो कहाँ रखोगी, वो जो खा रहा है वो भी सारा शुरू कर दो। अच्छा चलो सब आप इकट्ठे कर दो ना, इकट्ठी हो गई सारी चीजें, प्लेटें इकट्ठी हो गई, वो वाली भी हो गई है, चले ठीक है। वो कहते हैं थोड़ी देर बाद उठाएंगे फिर। ओके ओके हो गया। हसन हसन इधर देखो, इधर 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 देखो, खाना खा लिया,
कैसा मजे का था? कैसे खाया? ऐसे खाया, मजा आया? मजा किवें आया, किवें मजा आया? बड़ा मजा आया आपको? हाँ, अभी जो है ना बर्तन वगैरह हो रहे हैं जी क्लोज, सबा ने उठाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे बेचारी भी मेरी तरह अकेली है। हाँ, जल्दी से अभी मेरे बच्चे इतनी तंग नहीं करते। ख्याल से ये गिर ना जाए, ये जैसे रखी है इधर काट दूं फिर इनको सेट करके। एक मिनट तो ये सेटिंग से रखेंगे ना, उठा के ना। हाँ, इस तरह थोड़ी थोड़ी करके रख दो ना, ये असल में इनका डिजाइनिंग ऐसी है। वो स्लिप हो जाती है। हाँ, वो छोटी है, वो उसके ऊपर आएंगे। हाँ, ऐसे ये गिराओगे यार, अल्लाह की बंदी उल्टे उल्टे काम कर रही है। आप तो इधर से हट जाओ, चलो शाबाश, चलो इधर से हट जाओ, चलो भाई। बाबा जा रहे, बाबा जा रहे। आ जाओ बाबे के पास। आ जाओ बाबा के पास। ये सालन खोला ही नहीं, ये नहीं खुला और ये वाला सालन भी नहीं खुला। सालन सारा ही रखा हुआ है। अकबर भाई जो है ना वो कर रहे हैं वर्जिश हमारे खाने के बाद। अच्छा, उधर तक जाते हैं फिर वापसी, ऐसे मोड़ काटते हैं सुकून से, फिर वापसी आ जाते हैं। अच्छा, कुत्ते से डर लगता है? अच्छा है कुत्ता छोटी चीज, जो इंसान है ना इंसान वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये जानवर ये कुत्ते इनसे उनका कोई पता नहीं चलता। अभी जो है ना बर्तन लास्ट समय ले, लास्ट स्टेज है। हाँ जी, बस खत्म होने वाला है, एंड है ना भाई, आखिरी उठा लो। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना इधर हुआ है एक प्रैंक, जो कि बहुत बड़ा प्रैंक था और मेरी उस्तानी ने किया। एक होता है ना उस्ताद, एक होती है उस्तानी, टीचर। टीचर ने जो यहाँ पे किया है ना, अभी नबीला राशिद वाले घर छोड़ के जा रहे थे, अभी ही समझो लो गाड़ी आने वाली थी, इन्होंने कहा कि हम सामान भी नहीं उठाते, घर छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से इनकी जो है ना, कहते हैं कि हम ट्रक मंगवाते हैं। अच्छा, ये आप ही कैसे कर रही थी उसको? इस तरह कर रही थी, मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट आगे चले जाए ना, यहाँ पे दिखाएं। एक मिनट पकड़, हाँ पता है क्या, वो भाभी उधर थी और नबीला सिस्टर जो ना ऐसे बच्चे इधर आते, इधर अपने बच्चों का ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे कर चलो चलो चलो। मान के पापा, मैं YouTube छोड़ती हूँ, मैं ये घर भी छोड़ती हूँ, हमने यहाँ पे नहीं रहना। ऐसे मजा आया, इतनी रो रही थी। प्रैंक नहीं देखा कभी भी। अभी मैं अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रैंक था। हाँ। अभी जबकि वो सारी चीजें बता रही है और मान के पापा सूरत चला चला के उसके ऊपर दम किए जा रहे थे। अभी मैं आपको उस्तानी दिखाता हूँ जिसने प्रैंक किया, ये बैठी है। माशाल्लाह मजा आ गया। आपको हंसी नहीं आती इतनी, आप सीरियस हो जाती हैं, आपको हंसी नहीं आती? हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन जब अकबर आके आते थे ना, फिर मैं जो हंसी आने लगती थी, मैं दांत पक्की कर लेती थी। अच्छा, ऐसे खाती ऐसे यानी के ये ना, मतलब बिल्कुल जैसे किसी इंसान के अंदर जिन आ जाता है ना, इस तरह से इन्होंने एक्टिंग की। और यहाँ पर जो है ना पूरे बच्चे जो है ना वो रोने लग गए, बड़े रोने लग गए। माशाल्लाह, ये तो रो रोते अखी सुजा देते। शुक्र है साहब घर वालों को नहीं बुला के आई। बाप को बुला के आई है, कहती आंटी पीछे आ जाएगी। ये
कोई जो है ना कमरे में बच्चों को बंद और ये हर बंदे को हर कमरे में ढूंढ रही थी, इस कमरे में आती थी, उस कमरे में जाती थी, उस कमरे में। जब इस कमरे में आई ना तो अकबर भाई ने ना लॉक लगा, मैंने कहा यार वो अंदर से ना लॉक लगा ले यार, मसला बन जाएगा, आप लॉक ना लगाओ। तो किसी पीर को बुलाते हैं फिर जो है ना इसको दम करवाते हैं। ये यानी कि ऐसे देख रही थी, बातें कर रही थी जैसे वो किसी के साथ बातें कर रही है। बहुत बड़ा जो है ना वो प्रैंक हो गया आज, तो बच्चे वगैरह जो है ना सब रोने लग गए थे बहुत ज्यादा। और बेबो को नहीं, बेबो नींद आ गई, नींद आ रही है बेटा, घर चले, सोना है आपने? अच्छा, मैंने फिर पूछा, अच्छा सब ने सिर, मैं कहा पहले कभी हुआ है? नहीं जी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बोल देते राज सलमा के साथ हुआ है। भाई रात मेरे साथ भी इन सब का प्लान था, मैं अब बाहर काम कर रही थी, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इन्होंने आवाज दी जोर से, बोली के सलमा को बुलाओ, सलमा कहाँ है? अच्छा मैं तो ऐसे हंस के ना ऐसे भाग के चली गई, भाभी मैं यहाँ हूँ। अच्छा देखा ना, मेरे तो हो चढ़ गए। अच्छा मजे की बात ये ना, यहाँ बातें शातें करते करते यहाँ पे बैठी हुई थी जहाँ पे बैठी है, फिर ना कमरे के अंदर चली गई, बल्ला बंद था। हाँ। ये सामने वाली चेयर पे जाके बैठ गई। हाँ जी। अच्छा मैंने कहा, मैंने देखा एक बार, मैंने कहा शायद कहीं पे फोन कर रही हो, तो फिर उधर बैठी रही, यहाँ पे नबीला चाय वगैरह चढ़ा रही थी। हाँ, अच्छा फिर वो उधर से उठ के आई, उसकी तरफ देखा, उसने कहा हाँ खैर है क्या? वो ना नबीला अभी पूछने लग गई, हाँ क्या बात है, हाँ क्या आप ही चाय बना रही हूँ, अभी चाय पियेंगे। वो ना ऐसे करके खड़ी हो गई, ऐसे करके वो ना बोलती रही, वो एक नजर उस पे ना खड़ी हो गई, ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे करके खड़ी हो गई। तो उसने फिर वो इस तरह कहती, ये इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? अच्छा फिर सब ने कहा अभी क्या हो गया, लेकिन उसने ना कुछ भी नहीं, फिर जो सामने जाता था उसको गौर से देखती थी, फिर आवाजें निकालती थी, मारती भी थी। अगर हम उसको हाथ लगाते तो हम ऐसे जोर के लगा देती थी। ये रो जा रही है, रो रही है ना, वो रोने वाला सीन तो दिखाओ इसका, रोने वाला सीन हो जो बहुत रो रही है, बहुत ज्यादा आएगा अभी फिर। ये खुफिया यानी कि एक वीडियो भी बनाई गई ना, फिर खुफिया वीडियो है ये, किसी को भी पता नहीं था, चोरी चोरी वीडियो भी बनाई है। और चलें जी, माशाल्लाह चाय बना रही हो हैं? अच्छा ये देखो। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम पहुंच चुके हैं जी घर, और दोनों बच्चों को ना हमने नींद के अंदर उठाया, बेबो को मैंने उठाया क्योंकि ये बड़ा था ना, सबा से नहीं उठाया जा रहा था, और हसन को जो है ना वो सबा ने उठाया। हसन को है बहुत तेज़ बुखार, अभी हमने इसको दवाई भी लाई है और अभी माशाल्लाह से सो रहा है। बेबो को तो फुल नींद है। और अभी अकबर भाई वाले, अल्ताफ़ भाई वालों को हमने कहा कि आप सब जो है ना उधर से जब फ्री हो जाएं फिर आपने हमारे घर पे आना है, और यहाँ पे हम चाय पार्टी करेंगे, चाय बनाएंगे, फिर आप सबको चाय पिलाएंगे, हम खुद भी चाय पियेंगे और कुछ गप शप जो है ना वो करेंगे, क्योंकि यादगार लम्हात हो जाते हैं, इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है हंसी मजाक से। तो अभी सबा जो है ना, सबा अभी बनाओगी या जब आएंगे उस टाइम ताज़ा बनाओगी? अच्छा चले गुड हो गया, ये भी अच्छा है। काफी सारे हैं ना, फिर एक थरमास है, दूसरा तो टूट गया उसका शीशा। हाँ। दो होते हैं ना न्यू, फिर सही था, ये काफी अरसे का है, फिर ठंडी हो जाती है चाय। सही है, फिर हाँ जब इधर पहुंच जाएंगे ना ताजी चाय बना के ना हाँ। उनको देते जाएंगे। वही ये कह रहे हैं, ये इसको छोड़ो, ये कुछ छोड़ो, अभी तक नहीं मेरा जाने का, अभी मेरे दिमाग में दर्द, क्योंकि वो जिन आपकी तरफ देखता था ना। कसम से अगर 5 मिनट और करते ना मुझे कुछ हो जाना था, कसम से। हाँ मैं वो ना असल में बाकी ना, मतलब मैं भी कुछ ना कुछ मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि मैं खुद भी ये चीजें करता हूँ, तो मुझे खुद को कुछ ना कुछ समझ आ रही थी, ठीक है। दूसरी बात, बाकी तो सारे जो आए थे वो तो सारा प्लान करके आए थे ना, मिले हुए थे उसके साथ, बाकी आप और नबीला दो लेडीज थी ना, आपको उसने डराना था फुल, तो आपकी तरफ जब देखती थी ना इनकी सांसें, इनकी टांगे, उसी टाइम खत्म। मैं यही कली थी हमारी, यही सबसे पहले सबा गई है उसके पास।
जब उसने एक वो हुड़का दिया ना मुझे, मैं तो उस टाइम खत्म हो गई थी। फिर तो वो थे जब एंड में मतलब लास्ट करके बैठे, फिर भी मेरे साथ बैठे, मैं डरी हुई थी। अजीब अजीब लग रहा था सच्ची। चले अल्लाह पाक बेहतर करे। हम भी करते थे लेकिन वो हमारे उस्ताद निकले। मैंने उसको उस्तानी बना लिया, अब मैं उसका शागिर्द हूँ। मैंने उसको कहा है ना, आप मेरी उस्तानी हो। आज रात मैं अकेली तो नहीं सोने वाली। कुछ नहीं होता, वह मजाक था, हो गया बस। अल्लाह की बंदी, रात को होना मेरे फिर दाढ़ी हो। कुछ भी नहीं होता, अल्लाह करम करे। रियल में थोड़ी था जो आप इतनी ज्यादा परेशान हो गई हैं। अच्छा मुझे कहते हैं कि अहमद भाई आप माशाल्लाह सिंधी लग रहे हैं, सिंधी। थैंक यू सो मच जी, सिंध वालों का बहुत सारा प्यार मेरे साथ है। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे। और हमने ये भी सुना है कि सिंध वाले जो है ना बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं। बस ज़िंदगी का कोई पता नहीं, बहरहाल इंशाल्लाह इरादा है कि हम इंशाल्लाह सिंध भी जाएंगे और अपनी तमाम फैन फॉलोइंग से इंशाल्लाह मिलेंगे। सिंध में मेरे नाने मामे रहते हैं, वो सब मेरी वीडियोस देखते हैं सब। अच्छा हाँ। मेरी भी उधर रिश्ते में मासी लगती हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मतलब मेरे जो नाना जान है, नानी जान, उनके रिलेटिव है ना। तो मैं जब छोटा था ना उस टाइम हम गए थे, ठीक है। वो ना उनको नहीं पता था, फिर नाना अबू वाले उधर गए, फिर उनको इन्होंने व्लॉग खोल के दिखाया, कहते ये कौन है, बहुत मजे के हैं इनके व्लॉग होते हैं, हम देखते हैं। फिर अब नाना अबू वालों ने बताया ये सबा है, रुखसाना की बेटी, फिर जाके उनको बता। अब तो वो डेली देखते हैं, एक भी नहीं मिस करते। हाँ तो उधर यानी के सिंध के अंदर ना मैं आपको बता दूं, सांगढ़। हाँ। सांगढ़ के अंदर ना हमारे बहुत सारे जो है ना वो हमारे अपने बैठे हैं रिश्तेदार ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। बस हम उनकी तरफ, मतलब हम उनकी तरफ आएंगे ना, फिर हम जो सिंध वाले हमारे होंगे ना फैन फॉलोइंग, वो हम कोई जगह डिसाइड कर लेंगे, वहाँ पे सबको बुला के सबसे मिल लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर जो हमें इनवाइट करेगा तो उनके साथ फिर हम जाएंगे ना, क्योंकि वो जानते होंगे ना कहाँ है कैसे है। उन्हीं के साथ हाँ। जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ। हाँ जी नहीं जाएंगे। सही बात है। चलें दोनों शहजादों को ना अल्हम्दुलिल्लाह से नींद आ गई है। और हसन जानी, हाँ और हसन जानी जब वो सारा खत्म हुआ तो हसन जानी बता रहा था कि वो ऐसे हाऊ हाऊ करती थी, ऐसे डराती थी, मैं डरता था, ये सारा कुछ ना हसन बता रहा था। बस नजर लगी हुई अभी भी वो, फिर हरकते अभी वो अल्ताफ पता नहीं राशिद भाई बना रहे थे, हाँ राशिद भाई बना रहे थे वीडियो, उसमें ये नखरे कर रहा था, आंखें मार रहा था, हंस रहा था। बस यही बच्चों को खा जाती है। हाँ बस नजर लग जाती है, क्या पता कि ये नहीं होता कि नजर लगाते हैं, ये खुद ब खुद लग जाती होती है। ये ना कहा नहीं जाता, बंदा ज्यादा दिल से खुश हो वो भी लग जाती है, पता नहीं चलता। आप पता है क्या है, बात ये है कि माशाल्लाह से जैसे गोलू मोलू है, हसन जानी भी, बेबो जानी भी, सब के दिलों से माशाल्लाह निकलती है। किसी के दिल से ये नहीं निकलती कि यार ये क्यों इतनी प्यारा है, ये है, सबके दिलों से माशाल्लाह निकलती है। सबसे ज्यादा चाहने वाले जो हमारे देखने वाले हैं वो हसन और बेबो के हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। कि वो ये नजर अजीब नजर से देखो, नजर नहीं, जब बंदा ज्यादा खुश होके देखे ना फिर भी नजर लग जाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय पार्टी जो है वो चल चुकी है, अभी हमारे मेहमान चलने चुकी हो चुकी है, हो चुकी है। और हमारे मेहमानों ने अभी ना पकड़ लिए तैयारी घर जाने की, हमने कहा यहाँ पे सो जाए लेकिन मानी। टाइम क्या हो रहा है अभी रात का? टाइम हो रहा है 12:30। हाँ बस एक बजने वाला है, घर पहुँचते तकरीबन आपको एक भी बज जाएगा। हाँ मैंने कहा इधर सो जाए लेकिन ये कहते नहीं। खैर वैसे हम भी चाहते हैं कि आज हम डरे हुए हैं ना, तो हम चाहते हैं ये उधर सोए जहाँ पे सोती है। इधर ना सारी रात डरते रहेंगे, किसी टाइम भी ये बदल सकती है। पहले सोच रहे थे इधर सो जाते हैं, जैसे बच्चे भी सो गए थे। हाँ फिर आप लोगों के लिए ना हम जा रहे हैं। अच्छा इसने तो मतलब 10 मिनट ये 5 मिनट ऐसे सबको देखा, हम सारी रात इसको देखते रहते, ये सोए रहते, हम बार बार उठ के देखते भी, वैसे तो नहीं हुई पड़ी। नहीं आपको फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपकी छतरी के पास ही खड़ी होती। हाँ, जब भी उठते खड़ी होती। हाँ जी चले जी, अभी जो है ना वापसी रवाना हो रहे हैं, बच्चे तो इनके सारे सो चुके हैं, बस अभी ये जो बड़े थे उनको उठा लिया, छोटियां जो परियां है ना वो अभी
सोई पड़ी है, सोई पड़ी है। चलें जी, स्मोक भी हो गई है लेकिन है कम, कल से कम है। हाँ, कल से कम है, कल इस टाइम हम खानपुर से आ रहे थे खुद, लेकिन ये बाहर रोड पे शायद हो ज्यादा, ये घर है ना अभी घर में चल रही है इसलिए शायद आगे चली गई। चले दरख्त के नीचे ना आना कहता है वो गाड़ी इधर लेके आएगा। साढ़े बारह बजे का टाइम है ना। अच्छा, वो दरख्त के नीचे पता नहीं होता क्या हो जाए वो खुद भी डरा हुआ है वैसे भाई इतना डरते हैं, इतना डरते हैं ना, जितने देख के उसको लगता है ना इतना वो दिलेर है नहीं, वो बहुत डरते हैं। दिल बांधने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन मेरी तरह डर जाते हैं। सही बात है, गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, ये अकबर भाई वालों की और वो जो है अल्ताफ भाई वालों की। चलें जी, अभी इंशाल्लाह ताला ये जाकर सो जाएंगे। आप मेरे ख्याल अभी भी नहीं सोएंगे यार, नींद आई हुई है, आज तो सो जाएंगे वैसे। हाँ, आज वो ऐसे था ना, घर पे होते थे ना इस टाइम हम चाय बनाते थे ऐसे ना। तो अभी चाय इस टाइम इधर बन गई है, इधर बन गई है, बस अभी जाके सो जाएंगे। चले चले ठीक है भाई, ओके अभी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच आने के लिए। फिर आएंगे, कल आएंगे, इंतजार करें इंशाल्लाह, कल आना तो फिर आ जाएंगे। हाँ अच्छा ना, फिर गपशप कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, वैसे भी हम अकेले होते हैं, चलो अच्छी गपशप हो जाएगी। हाँ जी, खुश रहे कि आप लोग उधर आना हमारे पास उधर, पहले तो इरादा था लेकिन अब नहीं है। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड करके आना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, अभी जो है ना हम लगाते हैं अंदर से कुंडियां और सो जाते हैं। और ठंड भी बहुत पड़ रही है आज, है ना, फुल ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हम कमरे में बैठे हुए थे। तीन से चार दिन के अंदर ना मजीद फुल ठंड, एक बारिश आने की जरूरत है। जब एक बारिश आई तो फुल सर्दियां आ जाएंगी, अभी तक हमने सर्दियों के कपड़े। ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अंदर से कुंडी लगाते हैं और हम ना कमरे में बैठे हुए थे, इतनी मजे के भड़के हुए थे, अब एकदम बाहर निकले है ना बहुत ठंड लग रही है। चले जी, हमारे दोनों बेबी सो चुके हैं, बल्ला वगैरह जो भी सामान है ना वो किचन वाला में समा दो, मैं मुंह धो लूं। मुंह धोना है आपने? अच्छा, नाइट क्रीम कोई पड़ी हुई है? काफी दिन हो गए नहीं लगाई। वही थी जो रात आपने मली थी बस। अच्छा, वो तो आज भी मेरी गुजारा हो जाएगा उससे। आज मैं खुद लगाऊंगी। नहीं, आज मेरा गुजारा करो, मुझे नहीं तो दाने निकल आते हैं। मैं जो है ना आज जल्दी से, आप जब तक मुंह धोती हो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है? आप जब तक मुंह धो मैं लगा लेता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ ही आज की वीडियो का जी करते हैं यहाँ पे इख्तिताम। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह शहजादे दोनों सोए हुए हैं, इधर हमने बैठे रहे ना। हाँ जी हाँ जी यार, नाइट रूटीन थी सारी। होई होई।